हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पनासेया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आई एम श्वेता। जैसे आपको पता है, हम कर रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी की कोर्स एंड उसमें से हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, राइट। सो जैसे आपको पता है, आपकी सीएचएसएल एग्जामिनेशंस में आपको कौन करा रहा है, ये टीसीएस जो है आपकी एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रही है। सो आपको क्या करना है, टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर है ना, जो आपकी सीजीएल एग्जामिनेशन जो है टीसीएस ने प्रीवियसली कंडक्ट किया है मार्च में, राइट। एक बार जो है आप 18 सेट्स जो है सीजीएल के जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। सो 18 के 18 सेट हमने रीजनिंग, मैथ्स एंड थोड़े इंग्लिश के पेपर एंड थोड़े जीके के पेपर जो है हमने यहाँ पे कराया है, तो जाके वो सारे सॉल्व कर लीजिए। मैथ्स एंड रीजनिंग मेनली, इंग्लिश तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके लिए। सो यहाँ पे 18 सेट्स जो है हमने आपके लिए कराया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके पूरे पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़े क्वेश्चन जो है सीधा सीधा डायरेक्टली पूछे गए हैं, यानी आपकी सीपीओ एग्जामिनेशन जो है दिसंबर या नवंबर में कंडक्ट हुआ था, उसमें से जो है आपकी सीजीएल एग्जामिनेशन में डायरेक्टली रिपीट हो गए थे थोड़े क्वेश्चन। सो चांस है कि आपके सीएचएसएल एग्जाम में भी ऐसे ही रिपीट हो सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट हो, नहीं तो जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे 18 सेट्स यहाँ पे हमने इतना अच्छे से करा के रख दिया है। एंड थोड़े थोड़े चैनल्स तो यहाँ पे 18 सेट्स आपको पेड में बेच रहे हैं, समझो। यहाँ पे ओनली फ्री में मिल रहा है आपको, इस वैल्यू को समझो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स फॉर किलिंग और किलर्स, राइट। सो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पे अबॉर्टिसाइड का मतलब हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, किलिंग ऑफ अ फीटस और अबॉर्शन। सो यहाँ पे मदर की वूम्ब में जो बच्चा है ना, तो उसको अबॉर्शन करके मार दिया जाएगा। सो उसको क्या बोलते हैं अबॉर्टिसाइड, ओके। सो यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एसएससी बहुत पूछता है। सो आपको याद रखने ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। यहाँ पे हर्बिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ प्लांट्स हर्बिसाइड, ओके। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। एंड यहाँ पे ये साइड्स का क्लास हम 3 पार्ट में कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, गाइनासाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ ए वुमेन। आपने सुना होगा, जो वुमेन को ट्रीट करती है वो डॉक्टर को क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट, राइट। यहाँ पे गायनासाइड यानी वो गायनाकोलॉजिस्ट, गायनासाइड यानी वुमेन से रिलेटेड है। सो यहाँ पे किलिंग ऑफ वुमेन हो गया ये, राइट। सो यहाँ पे सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ करके याद रख लेना। आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात को समझो। एंड यहाँ पे देखो, जिएंटिकसाइड, इसका मतलब हो गया किलिंग ऑफ ए जेंट, राइट। यहाँ पे जेंट यानी बहुत जेंट में कुछ चीज़ है, कोई इंसान है बहुत जेंट है तो उसको मारना, ओके। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड का मतलब हो गया सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स। सो यहाँ पे जर्म बोल के दिख रहा है। सो यहाँ पे जर्मिसाइड एंड किलिंग ऑफ जर्म्स, ओके। सो इस तरह जो है आप इसको याद कर सकते हो, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ अ रेस और एथिक ग्रुप, यानी पूरे रेस यानी कुछ रेस के जो, सपोज जेनोसाइड मतलब जीन, यानी कोई जीन से एक पर्सन है तो वो सारे जीन के जो भी पीपल है उनको मार देना, राइट। सो ये हो गया इसका मतलब, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया फंगीसाइड। फंगीसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ फंगस। सो यहाँ पे फंग है, सो यहाँ पे हो गया फंगस, राइट। सो यहाँ पे फंगीसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ फंगस। इस तरह जो है आप इसको याद रख सकते हो। सो यहाँ पे फैट्रिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, यानी आपकी खुद की ब्रदर की हत्या करना हो गया यहाँ पे क्या, फैट्रिसाइड, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आ गया फॉर्मिसाइड। फॉर्मिसाइड का मतलब हो गया सब्सटेंस दैट किल्स एंड्स, यानी यहाँ पे कोई एंड्स को नहीं मार रहा है, बट द सब्सटेंस विच इज़ किलिंग द एंड्स, यानी जो पदार्थ जो चींटियों को मार रहा है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिसाइड, ओके। सो यहाँ पे फोर्टिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ ए फीटस। फीटस का मतलब ये हो गया वो ऊम्ब में जो पेट में बच्चा है, राइट, उसका मतलब हो जाता है फीटस, ओके। यहाँ पे फ्लोरिसाइड का मतलब हो गया किलिंग और किलर ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स को किल करना, इसका मतलब हो गया प्लक आउट, ओके। सो इसका मतलब होता है फ्लोरिसाइड, ओके। समझ रहे हो ना सारे लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, राइट। एंड आपकी डेली नॉलेज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होती है, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में ये वो, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे फेलिसाइड, फेलिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वंस ओल्ड चाइल्ड ओन चाइल्ड, इसका मतलब हो गया अपनी खुद की बच्चे को मार देना, राइट। सो इसकी मतलब हो गया फेलिसाइड, ओके। एंड फैटिसाइड का मतलब हो गया अगेन फिलिंग किलिंग ऑफ अ फीटूस, ओके, ये रिपीट हो गया शायद। ये फेमिसाइड हो गया, फेमिसाइड फीमेल, यहाँ पे देखो फीमेल है, फीमेल को फेमिसाइड, ओके, किलिंग ऑफ ए वुमन, राइट। आप समझ रहे हैं ना, इस तरह जो है आप याद रख सकते हो। एंड यहाँ पे फैलिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ ए कैट, यानी बिल्ली को मार देना फैलिसाइड हो गया यहाँ पे, राइट, समझ रहे हो ना। एंड फैमिसाइड, वन हुज डिस्ट्रॉयज अनदर्स रेप्यूटेशन, यानी किसी और की रेप्यूटेशन को डिस्ट्रॉय करने वालों को यहाँ पे क्या बोलता है, फेमिसाइड, राइट। जैसे रेप्यूटेशन नीचे गिरा देना, लाइक उनको कुछ गलत साबित कर देना किसी वजह से, इनके रेप्यूटेशन जो है नीचे गिर जाएगा, तो वन हु डिस्ट्रॉयज अनदर्स रेप्यूटेशन हो गया फेमिसाइड, समझ रहे हो ना सारे लोग। सो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। एंड आप सब लोग याद रख लेना मेरी बात, आपकी जब CHSL एग्जामिनेशन होगी ना, उसके बाद ना आप आके कहोगे आपका दिया हुआ 50 से ज़्यादा, मैं बोल रही हमारे चैनल से ना 70% से भी ज़्यादा आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मोर देन, जहाँ तक मैं बोलती हूँ 90% भी आ सकता है, मैं बोल रही हूँ ना। बट कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा इधर उधर कर देता है, ऐसी चीज़ें इस वजह से डिपेंड करता है। बट मैं बोल रही हूँ थोड़ा इधर इधर भी होता है ना, 70% से भी ज़्यादा हमारे चैनल से भी ही आने वाला है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ लो जो भी हम बता रहे हैं ना, हमको एक्सपीरियंस है, हमने भी पढ़ाई किया है, क्वालिफाई किया है। सो आपको समझा रहे हैं कि पढ़ाई करो, ओके, हम आपको बहुत राइट वे दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे एपिस्कोपाइसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ बिशप्स, ओके, किलिंग ऑफ बिशप्स होता है यहाँ पे, बिशप्स तो पता है ना सारे लोगों को। एंड यहाँ पे एकोसाइड का मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट करना, इसका मतलब हो गया एकोसाइड, कैसे डिस्ट्रक्शन करता है एनवायरनमेंट को, बहुत पोल्यूशन छोड़ो, फैक्ट्री लगा डालना, लगाने के बाद क्या होता है, उसमें से बहुत गैसेस निकलते हैं, उसमें से वेस्ट जो है कैनाल्स में, लेक्स में जाता है, ये क्या हो गया, एकोसाइड हो गया ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ही हो रही है यहाँ पे, हाँ कि नहीं, मुझे बताना। सो यहाँ पे डिआइसाइड का मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ गॉड, यानी भगवान का, ऐसा बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब हो गया ये, ओके। सो यहाँ पे सिमिसाइड का मतलब हो गया सब्सटेंस यूज टू किल बेड बग्स। आपको पता है क्या, आजकल हमको नहीं दिखते हैं बेड बग्स, एक्चुअली बहुत पुराने, मेरी मम्मी भी नहीं, मेरी नानी बोलती थी, नानी की मम्मी के घर पे होते थे ये बेड बग्स उस ज़माने में। वो बोलती थी जब मैं बचपन में थी, उनके बेड में बग्स होते थे, वो उनको काटते थे, सो उसका मार देना का होता है सिमिसाइड, ओके। सो यहाँ पे सेटिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ व्हेल्स एंड अदर सेटैंसियस, ओके, इसका मतलब हो गया क्या, व्हेल्स को मारना, सेटिसाइड होता है, सेटिसाइड, ओके। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया बोविसाइड। बोविसाइड का मतलब हो गया स्लैंटर ऑफ कैटल, वन हु किल्स कैटल, यानी कैटल को मार देता है, इसका मतलब हो गया बोविसाइड, ओके। सो यहाँ पे अगेन बायोसाइड का मतलब हो गया किलिंग लिविंग मटेरियल, किलिंग क्या, लिविंग मटेरियल को मार देना, यानी कोई लिविंग मटेरियल है, जैसा प्लांट हो गया, ऐसे ही कुछ, यू नो, एनिमल्स, कुछ भी लिविंग थिंग जिसको भी मार देता है उसको बोलते हैं बायोसाइड, ओके। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरियासाइड। बैक्टीरियासाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अभी आपके हाथ में बहुत तरह की बैक्टीरिया होता है, तो आप क्या करते हो, सैनिटाइज़र उठाते हो और अपने हाथ में डाल के रब कर देते हो, तो आपने कर दिया बैक्टीरियासाइड, तो आ गया ना, आपने मार दिया बैक्टीरिया को, तो आप क्या बन गए हो, बैक्टीरियासाइड। सो यहाँ पे देखो बालीसाइड का मतलब हो गया किलर ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग क्या है, किलर ऑफ बैक्टीरिया, सारे के सारे लोग जो है बैक्टीरिया को मार रहे हैं हम लोग, हाँ कि नहीं, बैक्टीरिया को मार रहे हैं, आजकल तो वायरस को भी मार रहे हैं। सो हम क्या हो गया, बैलीसाइड, राइट। सो यहाँ पे आ गया एविसाइड। एविसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स को मारता है। बर्ड्स को क्यों मारते हैं, I mean, थोड़े लोग होते हैं इतने प्यारे प्यारे, चिड़ियाओं को भी खा जाते हैं, वो क्या करेंगे, मार के ही तो खाएंगे, तो मार देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एविसाइड बोलते हैं, राइट। आई मीन मारना. सो यहाँ पे एम्फिसाइड किलर ऑफ एम्फिड्स, वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स यानी बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी मार देते हैं. सो उसको क्या बोलते हैं? एम्फिसाइड बोलते हैं, राइट. सो आप तो मत करना, छोटे छोटे कीड़ों को एटलीस्ट जीने देना. सो यहाँ पे एमिसाइड मर्डर ऑफ ए फ्रेंड यानी अपनी फ्रेंड की मर्डर कर देना एम्फिसाइड हो गया, राइट. सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया एल्जीसाइड. एल्जीसाइड का मतलब हो गया किलिंग किलर ऑफ एल्गे. एल्गे का मतलब पता है ना, एल्गे जो किल करता है उसका मतलब हो गया एल्गीसाइड, ओके. यहाँ पे एक्रोसाइड का मतलब हो गया किलर ऑफ माइट्स एंड टिक्स, राइट. सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट तो हो गया है यहाँ पे. सो हमने क्या है 30 पॉइंट्स यानी आज जो है 31वां सब्सटीट्यूशंस पढ़ लिया, जो आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी तो रीजनिंग में भी पूछा जाता है, पता है ना आपको. सो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे आज जो है ये साइड्स के बारे में यानी किलर किसको मारा तो क्या होता है, वो टर्म्स जो है हम 3 डेज़ में पढ़ने वाले हैं. सो 3 डेज़ में जो है ख़त्म हो जाता है. सो आपके 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस ख़त्म हो जाते हैं. एंड उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आपके एसएससी सीजीएल में प्रीवियस या सीएचएसएल एग्जामिनेशन में जो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस पूछे गए थे ना, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेते हैं हम एक बार. एक बार पढ़ लेते हैं कि कहाँ से आया, प्रीवियस ईयर में से ये आया हाँ कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ताकि आपको भी एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि पेपर में ऐसे इतना ईजी आ रहा है, समझ रहे हो ना. एंड आप मुझे मेरी बात याद रख लेना, 18 सेट्स आप एक बार सॉल्व कर लेना, आपको फ्री में मिल रहा है यार, समझो बात को. कहीं और किसी ने नहीं कराया है, आपको पेड़ में मिल रहा है बाहर, समझो. एक बार 18 सेट्स लगा डालो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. आपको ना मैं बोल रही हूँ 2 टाइम सॉल्व करना. 2 टाइम सॉल्व करोगे ना, कोई क्वेश्चन नहीं आया उसको नोट डाउन करना, रिवाइज़ कर लो फिर से. बट क्या करो, 2 टाइम्स रिवाइज़ करते हो ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहेगा, मैं बोल रही हूँ ना. सो आपके एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने की चांस बहुत बढ़ जाएगा. एंड बाकी तो हम पढ़ा ही रहे हैं ना, सो क्या टेंशन लेना. सो समझो आपकी सिलेक्शन गारंटीड है, आप हमारे साथ बने हैं, समझ रहे हो ना. सो विद दिस आई रैप अप. अगर आपको मेरी सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.